तो आइए दीपावली में हम लोग जानते हैं कि जो है क्रैकर्स और जो है आपके जो है कैंडल्स लाइट्स ये सभी यूज होते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग नेचुरली बात करते हैं, नेचुरली जो लाइट इंटीग्रेट करता है, जो निकालता है, जो प्रोड्यूस करता है, उसी का नाम है डीके, ठीक है। तो ये चैप्टर, ये जो टॉपिक है, उसी से रिलेटेड मैं लेके आया हूँ। तो आज दिवाली है, तो दिवाली के दिन हम लोग ये जानेंगे कि जो नेचुरली लाइट प्रोड्यूस करता है, जो नेचुरली डीके करता है, जिससे फ्लोरसेंस होता है, वो चीज़ क्या होता है। तो उसको रेडियो एक्टिव हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बोलते हैं। तो रदरफोर्ड ने ये मॉडल किसने दिया, तो देखिए रदरफोर्ड एंड सोडी ला फॉर रेडियो एक्टिव डीके। तो किसी एलिमेंट्स का, किसी जो है सब्सटेंस का अगर रेडियो एक्टिव मतलब डिसइंटीग्रेशन होगा, तो उस मेटल का नाम होगा, उस सब्सटेंस का नाम होगा क्या? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ठीक है। और जब डीके होगा, डीके का मतलब होता है एक तरह से अल्फा, बीटा और ये गामा, तीन टाइप की रेज निकलती है, ठीक है। किससे? तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से थ्री टाइप की रेज निकलती है। तो दीपावली में हम लोग कैंडल का यूज करते हैं, और आप कह सकते हैं ठीक है एक दीपक का यूज करते हैं। तो डिफरेंट टाइप की लाइट होती है, एलईडी होती है, झालर, ऐसे बहुत सी चीज़ें होती है। तो नेचुरली है, बट अगर हम लोग देखें तो ये नेचुरली तो होता नहीं। नेचुरली जो लाइट प्रोड्यूस करता है वो कौन करता है? तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस करता है। तो उसी का इंटीग्रेशन, जो प्रोड्यूस करता है, जो लाइट निकालता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिव डीके बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए रूल किसने दिया, रदरफोर्ड ने, सोडी, दोनों ने मिलकर दिया, रदरफोर्ड भाई और जो है सोडी ने, ठीक है। तो रदरफोर्ड और सोडी ने मिल के ये जो है सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किया, तब कंक्लूजन निकाला। क्या? सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट करने के बाद कंक्लूजन क्या निकाला कि यहाँ से इसको एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद कंक्लूजन क्या निकाला? तो निकाला क्या, रेट ऑफ क्या है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स या रेडियो एक्टिव एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टू क्या, कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एटम क्या, रेडियो एक्टिव क्या है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, रेडियो एक्टिव एटम प्रेजेंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी, ठीक है। इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए क्या है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियो एक्टिव एटम प्रेजेंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम लोग का रेट होगा किसका होगा, तो रेडियो एक्टिव जो है एटम्स का होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एट टी टाइम पे जितना वो प्रेजेंट हो, एट टी टाइम पे जितना वो प्रेजेंट हो। अगर इसको हम लोग मैथमेटिकली अगर लिखेंगे तो देखेगा इसमें डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, मतलब ये हमेशा क्या कर रहा है, लाइट को, एनर्जी को रेडिएट करेगा। तो ये धीरे धीरे उसकी लाइफ स्पैन या कहेंगे या लाइफ धीरे धीरे कम होते जाएगी, टाइम बढ़ेगा लाइफ कम होगी। तो इसका मतलब इस फॉर्मूले में आपको माइनस यूज कर लेना है। तो माइनस डी एन, अगर हमें मान ले डी एन क्या है, नंबर ऑफ एटम है, ठीक है, और डी टी क्या है, टाइम है।
तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात आ गई और यहाँ पे हमने बोला एन, इसका मतलब है डी एन का मतलब है क्या कि एट टाइम टी में, ठीक है, एट टाइम डी स्मॉल टाइम डी टी में, और ये हमारा इंटीग्रेट किया और प्रोपोर्शनल किसके है तो जितना हमारा एटम प्रेजेंट है पहले, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा माइनस और यहाँ पे होगा डी एन अपान, ये हो गया डी टी, और यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का यूज कर देंगे जिसका हम लोग बोलेंगे ये क्या है, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है। क्या है तो ये क्या बोलेंगे, रेडियो, ऐसे बोल सकते हैं रेडियो एक्टिव कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, कांस्टेंट, ये रेडियो एक्टिव कांस्टेंट भी बोलेंगे या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। और क्या करेंगे यहाँ पे, तो माइनस डी एन अपॉन डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन टाइम टी, टी टाइम में जितना प्रेजेंट हो, मतलब जो भी दिया होगा उस टाइम में जितना प्रेजेंट होगा उसका जब रेट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा इस तरीके से। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, कांस्टेंट का यूज करेंगे जिसको लैम्डा बोलेंगे, और लैम्डा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जिसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव कांस्टेंट। डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के लिए जो है ये लैम्डा चेंज हो जाएगा, पर सेम मटेरियल के लिए लैम्डा क्या होगा, फिक्स रहेगा। तो ये क्या है, डिफरेंट मटेरियल के लैम्डा चेंज होता रहेगा। तो आइए आगे और बढ़ते हैं, देखिएगा क्या है, अगर हम इसको हमें प्रूफ करना है मेन बात, तो डी एन अपान इसके नीचे क्या लाएंगे हम लोग, एन ला देंगे, ठीक है, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे डी टी को इधर लाएंगे तो यहाँ कितना होगा, लैम्डा डी टी होगा, ठीक है। उसके बाद अब करना क्या, इसका इसको यहाँ से हटा के माइनस इस तरफ करके और यहाँ पे हम लोग को कर देना है इंटीग्रेशन की साइन यूज। इंटीग्रेशन की साइन जब यूज करेंगे तो हम लोग जानते हैं डी एन अपान एन का जो इंटीग्रेशन होगा ये कितना होगा, लॉग एन हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे लैम्डा कांस्टेंट है तो डी टी का जो इंटीग्रेशन होगा और टी होगा, और साथ में माइनस है ही, और साथ में एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट का यूज करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि डी एन अपॉन डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, मतलब जितना एटम प्रेजेंट एट टाइम टी में, तो अब क्या कर दिया, डी एन के नीचे एन ले चले गए और डी टी यहाँ हटाएंगे तो लैम्डा टी होगा, माइनस भी इस तरफ कर देंगे, फिर इंटीग्रेट कर देंगे तो डी एन अपॉन एन का इंटीग्रेशन लॉग एन होता है, और माइनस यहाँ लैम्डा डी टी का हो जाएगा कितना, टी। अब उसके बाद करना हम लोग को क्या है यहाँ पे कि हम लोग को वैल्यू रखना है, तो हम लोग जानते हैं जब टाइम क्या होगा, जीरो होगा, जब टाइम जीरो होगा मतलब कुछ हो ही नहीं रहा, उस टाइम में जो एन की वैल्यू होगी हमारी इनिशियल की वैल्यू हो जाएगी। मान लिया हमने, मान लिया इनिशियल जितने आइटम प्रेजेंट हो कितने हैं, तो एन प्रेजेंट है, ठीक है, एन मतलब एन नॉट। अब इसकी वैल्यू इसी, मान लिया हमने फर्स्ट इक्वेशन मान के इसमें रखेंगे तो ध्यान से आप देखेंगे तो आपको मिलेगा लॉग एन इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस टी, यहाँ तो जीरो हो गया ये, और प्लस कितना होगा, सी की वैल्यू हो गई हमारी कितनी, सी हो गई। तो यहाँ पे आपने देखा क्या होगा, तो ये यहाँ पे हम लोग को करना क्या, यहाँ पे एन की जगह एन नॉट लिखना है, ठीक है, और लैम्डा और टी की जगह टाइम की जगह जीरो, इतना हो गया। तो सी की जो वैल्यू आपको मिल गई वो कितनी होगी, लॉग लैम्डा एम नॉट हो गया। अब ये वैल्यू सी की हम लोग को इसी फर्स्ट इक्वेशन में जहाँ दिख रहा है रख देंगे, अगर रखते हैं तो आपका हो जाएगा लॉग एन इक्वल टू माइनस लैम्डा टी, और प्लस कितना होगा, लॉग एन नॉट, ये हमारा वैल्यू मिल गया, ठीक है, कितना होगा, लॉग एन नॉट मिल गया। ओके, समझ में आया, देखिए कुछ कट तो नहीं रहा, तो ध्यान से देख लीजिए आप, ठीक है ना। तो आगे आप देख रहे हैं ना, तो आपको मिल जाएगा, तो देखिएगा कितना मिल गया, तो यहाँ से मिल गया कितना, टी की माइनस, यहाँ हो गया लॉग एन इक्वल माइनस क्या है, लैम्डा टी प्लस लॉग एन नॉट होगा। अब क्या करना है हम लोग को, तो यहाँ से कर देना है इसको इसके नीचे लाना है, लॉग यहाँ से एन है और इसको माइनस लाएंगे, ये भी लॉग एन नॉट हो गया और इक्वल टू माइनस कितना होगा, डी टी हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे जो देख लिए कहाँ तक दिख रहा, तब उसके आगे मैं और भी लिख देता हूँ, तो आपकी एक लाइन पूरी है नीचे तो मैं दिख देता। देखिए अब क्या करना है, इसको यहाँ से माइनस अगर इसको हटाएंगे, ठीक है ना, ये वाला, तो आपका जब माइनस हटेगा ना तो ये फॉर्मूला बनेगा लॉग,
लॉग एन नॉट ऊपर हो जाएगा और एन नीचे हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे फॉर्मूला हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं लॉग एम माइनस एन इक्वल टू लॉग एम अपान एन, तो ये वाला पहले आएगा, ये बाद में हो जाएगा, तो ये ऊपर होगा या नीचे, इक्वल टू उधर अब क्या होगा यहाँ पे लॉग, इधर जो है डी टी होगा। अब हम लोग जानते हैं लॉग अगर हटा देंगे तो ये हो जाएगा एन नॉट अपान एन इक्वल टू, ये जो वैल्यू है ई की पावर लैम्डा टी में चली जाएगी, ठीक है ना, आया समझ में। अब यहाँ से हम लोग जब वैल्यू लेंगे तो यहाँ से एन नॉट इक्वल टू होगा एन और ई की पावर लैम्डा टी, इसका मतलब लैम्डा टी क्या शो करता है आपको बता दे, तो लैम्डा टी शो करता है कोई भी अगर ई की पावर में अगर कोई वैल्यू है आपकी, इसका मतलब ये हुआ कि जो है इसको बोलते हैं एक्स एक्सपोनेंट बोलते हैं, और जब एक्सपोनेंट होता है इसका मतलब है क्या करता है, ये ग्रेजुअली डिक्रीज करता है, कोई चीज क्या होगा ग्रेजुअली डिक्रीज करता है, मतलब बहुत धीरे स्लो रेट में, आपको फिगर में दिखाऊं तो अगर कोई चीज जैसे मान ली इतना है, कोई वेव है इतना इतना जाएगा ना, तो फिर ऐसे जाएगा, फिर बहुत धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके, मतलब बहुत धीरे 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 करके तब ये रुकेगा। आपका इसका एक एग्जांपल तो नहीं बता सकते, देखिए जैसे झूला है, अगर आप उसको एक बार ऐसे करके पुश कर देंगे या पुल कर दिए तो आप क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, तो धीरे 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 एकदम स्लो रेट में, जिसका क्योंकि उसका भी जो आप प्रूफ देखेंगे ना उसका भी एक्सपोनेंट में आता है, तो एक्सपोनेंट में जिसका आएगा वो क्या करेगा ग्रेजुअली स्टॉप करेगा, मतलब धीरे धीरे करके स्टॉप होगा, एक बार में स्टॉप नहीं। झूले को अगर हम लोग सिंह क्या करते हैं शीशा को अगर ऐसे छोड़ देंगे तो क्या होगा, एक बार में आके रुकता नहीं, वो बहुत धीरे धीरे करके धीरे 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 करके रुक जाता है। इसका मतलब है जब कोई ऐसा वैल्यू मिलता है इसका मतलब क्या होगा, ये धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट, यही इसका मतलब हुआ कि जो इसका वैल्यू है n not equal to n e पर लैम्डा टी, इसका मतलब जो लैम्डा टी है ये हमारा शो करता है कि जो एटम्स होगा बहुत धीरे धीरे करके इंटीग्रेट कर जाएगा, मतलब जैसे कह सकते हैं अगर हम लोग क्या करते हैं कोई चीज़ जो है यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए चलिए हमने हमारे स्टमक में मान ले HCl एसिड होती है, तो खाने को बहुत स्लो रेट से धीरे धीरे करके दो घंटे एक पीरियड होता है उसमें जाकर पचा देती है, सडन नहीं कर सकती, तो यहाँ पर भी क्या होगा धीरे धीरे करके सडनली नहीं होता स्टॉप, तो धीरे धीरे करके क्या करता है ये कि बैकरल रेज निकलता है जिसमें अल्फा बीटा गामा होता है, और धीरे धीरे करके वो डीके होकर धीरे धीरे वो क्या कर जाएगा, जो भी स्लो रेट में जो भी हमारा मटेरियल होगा जो भी हमारा एटम्स होगा धीरे करके क्या होगा लॉस हो जाएगा, पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, पूरी तरीके से बर्न हो जाएगा, ठीक है उसका एंड हो जाएगा, तो यही हमारा होता है रेड। जैसे कह सकते यूरेनियम होता है, यूरेनियम अगर डिसइंटीग्रेट होता है तो हम लोग जानते हैं यूरेनियम बाद में क्या बन जाता है, तो हमारा प्लूटोनियम में और थोरियम में चेंज जाता है, ठीक है इस तरीके से क्या होता है वो एक तरह से ब्रेक होता रहा, तो धीरे धीरे करके क्या करेगा हैवियर न्यूक्लियस धीरे धीरे स्मॉल न्यूक्लियर में क्या होगा शॉर्टर न्यूक्लियस स्मॉलर न्यूक्लियर ब्रेक होते चला जाता है, ठीक है तो ये पर उसका वो फीजन का एग्जाम्पल होता है, तो फीजन यहाँ हम लोग को नहीं पढ़ना क्योंकि वहाँ बम्बारमेंट कराया जाता है, पर कुछ इस टाइप का ही होता है, ठीक है ना, आया समझ में, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए तो आपको समझ में आएगा। ये प्रूफ है, क्या है प्रूफ इसका, n इक्वल टू एन नॉट, अगर इसी प्रूफ को अगर हम लोग ये कर दें कि अगर इसी प्रूफ में हमने ये कर दिया, यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, तो अगर हम इसी अब इसको हटा देते हैं, चलिए आए समझ में, तो आपका सब कुछ हटा दीजिए, तो अगर हम यहाँ से लेते हैं, अगर इसी प्रूफ में हमने क्या कर दिया हमारी वैल्यू कितनी आ गई लॉग एन माइनस लॉग एन नॉट इक्वल टू माइनस लैम्डा टी, ठीक है तो अगर हम लोग यहाँ से फार्मूला डायरेक्ट लगाएंगे तो लॉग एन अपान एन नॉट इक्वल टू हो जाएगा माइनस लैम्डा टी, अब यहाँ से लॉग हटाएंगे तो एन अपान एन नॉट इक्वल टू हो जाएगा ई की पावर माइनस लैम्डा टी, e की पावर क्या होता है डिक्रीजिंग के लिए शो करता है, तो n इक्वल टू एन नॉट ई की